ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच जो संवाद है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पयार संख्या चैतन्य चैतामृत मध्य लीला के आठवें अध्याय के मेरी आवाज कम आ रही है हरे कृष्णा, मेरी आवाज कम आ रही है पावनी ज्योति माता जी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कविता माता जी आपको भी ठीक आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? आवाज कम है? अच्छा आज थोड़ा सा ये ईयरफोन चेंज किया है बिकॉज दैट वॉज डिस्चार्ज, ये थोड़ा डिस्चार्ज हो गया ना। एनीहाउ ओके, तो वील इसको हम पढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो आप एक दो बार मुझे बता देना, मैसेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। आई विल जस्ट अंडरस्टैंड। अनीता एस कमल माता जी चैट में लिख करके बताएंगे माता जी ठीक है कि नहीं? अभी ओके, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। ओके तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से अपने पाठ को जारी रखते हैं। पयार संख्या 194 से हम लोग पढ़ रहे हैं। हाय हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई थी। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही। यह अनुरक्ति क्रमशः बढ़ने लगी और अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह भोक्ता कृष्ण के कारण है, न ही मुझ भोग्य के कारण है। ऐसा नहीं है, यह अनुरक्ति हमारे पारस्परिक मिलन से ही संभव हो सकी है। आकर्षण का यह आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया है,
अब इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कृष्ण ये सारी बातें भूल चुके हों। किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए यह संदेश उन तक ले जा सकती हूँ। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच न तो कोई दूत था, न ही मैंने किसी से कहा था कि वह उनके पास जाए। कामदेव के पांच बाण ही हमारे माध्यम थे। अब इस विरह की अवधि में वह आकर्षण दूसरी भावदशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूती बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। राधा रानी के शब्द शब्द हैं, और रामानंद राय बहुत पहले ही ये गीत को रचना कर चुके थे और इसको गाया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि दाम्पत्य प्रेम भोगने के समय अनुरक्ति की तुलना साक्षात कामदेव से की जा सकती है, किंतु वियोग के समय कामदेव अत्यंत उन्नत प्रेम का दूत बन जाता है। यही प्रेम विलास विवर्त कहलाता है। जब वियोग होता है तब स्वयं दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत का काम करता है, और श्रीमती राधा रानी ने ऐसी दूती को सखी कहा है। ऐसे आदान प्रदान का सार है वियोग तथा संभोग, दोनों ही में दिव्य प्रेम के व्यापार समान रूप से आस्वाद्य हैं। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूपेण मग्न थी, तब वे श्याम तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ बैठी और उन्होंने उसे आलिंगन कर लिया। ऐसी भूल प्रेम विवर्त विलास कहलाती है। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत के जंगल में रहते हैं और आप हाथियों के राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला में पटु हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी का हृदय दोनों लाख की तरह हैं, और वे अब आपके आध्यात्मिक पसीने में द्रवित हो चुके हैं। इसलिए अब आप में और राधा रानी में कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता सकता। अब आपने अपने नवीन स्नेह को, जो सिंदूर की तरह है, दोनों के द्रवित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिया है, और सारे विश्व के कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड रूपी प्रासाद के भीतर दोनों के हृदयों को लाल रंग दे दिया है। श्री रामानंद राय श्री रामानंद राय द्वारा उद्धृत यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि 14.155 का है। तो ये उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है, इससे यह श्लोक लिया गया है। प्रभु कहे साध्य वस्तु रवधि आया, तुम्हारे प्रसादे यहाँ जानी लो निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों की पुष्टि यह कहकर कि मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है, केवल आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इसे समझ सका हूं। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाएं जिससे यह जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूँ यह मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल उसी संदेश को दोहरा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय ये कह रहे हैं। तीनों लोकों में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थिर रह सके। वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं
और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं, यह अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो, कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हमें यह सलाह दी है कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण के विषय में सुना जाए। उन्होंने अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट मना किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। पद्म पुराण का प्रमाण देते हुए उन्होंने आगाह किया है कि कोई अवैष्णव कितना ही बड़ा सांसारी पंडित क्यों न हो, उससे कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप के होठों के स्पर्श से दूध जहरीला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दिया गया कृष्ण विषयक प्रवचन भी विषैला होता है। किंतु वैष्णव द्वारा दिया गया प्रवचन आध्यात्मिक रूप से शक्तिप्रद होता है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जब शुद्ध वैष्णव बोलता है तो वह प्रामाणिक होता है। यह कैसे? क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से व्यवस्थित करते हैं। श्री रामानंद राय यह आशीर्वाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त करते हैं, इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि वे जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी अपनी बुद्धि से नहीं निकल रहा, प्रत्युत वह सब श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित है। भगवद गीता 15:15 के अनुसार, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्ण। बालकृष्ण प्रभु, आपको आवाज ठीक आ रही है ना? और बाकी कविता माता जी, पावनी ज्योति माता जी, थोड़ा कम है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, यू कैन टेक, तो पता चल पाएगा। एक्चुअली ये डिस्चार्ज हो गया आज थोड़ा। एनी हाउ, मैं हरेक के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। निश्चित रूप से मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूँ। सारी बुद्धि हर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा से उद्भूत होती है। अभक्तगण भगवान से इंद्रिय तृप्ति की याचना करना चाहते हैं, इसलिए वे माया के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्देशित होने के कारण योग माया से प्रभावित होता है। इसलिए एक भक्त तथा एक अभक्त के कथनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गुण हैं, उन्हें दास्य सख्य या वात्सल्य रसों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में एकमात्र गोपियों को ही यह अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें, और केवल वे ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती हैं। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की इन लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता। केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है,
वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन के कुंजों में कर सकता है। केवल तभी वह राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, भगवधाम वापस जाने का उपाय भक्ति है, किंतु सब में भगवत सेवा करने की रुचियां भिन्न होती हैं। तो ये इंडिविजुअल होता है, कुछ भक्त दास्य में होते हैं, कुछ भक्त तो उनकी रुचि के अनुसार है। ये भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है, कुछ रुचि के अनुसार है। कोई दास्य रस में भक्ति करने की प्रवृत्ति रखता है, तो कोई सख्य या वात्सल्य रस में, किंतु इन सब में से कोई भी किसी को माधुर्य प्रेम में प्रवेश पाने के लिए सक्षम नहीं बना सकता। ऐसी सेवा कर पाने के लिए गोपियों के सखी भाव का अनुसरण करना पड़ेगा, तभी माधुर्य रस को समझा जा सकता है। उज्ज्वल नीलमणि में शिल रूप गोस्वामी का उपदेश है, प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी विश्रम भरतन पेटी च। उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, गोपियों तथा कृष्ण में माधुर्य रस का तथा उनके भोग का विस्तार करने वाली सखी कहलाती है। वह माधुर्य लीलाओं में अंतरंग गोपी होती है। ऐसी सहायिकाएं कृष्ण के विश्वास पात्र के रूप में रत्न स्वरूप होती हैं। सखियों के वास्तविक कार्य का विवरण उज्ज्वल नीलमणि में इस प्रकार मिलता है, मिथ प्रेम गुणोत्कीर्ति तयोरासक्तिकारिता अभिसारो द्वयोरेव सख्याः कृष्णे समर्पणम् नर्माश्वासनने पथ्यम् हृदयोद्धाट पाटवम् छिद्र संवृत्तिरेतस्याम् पत्यादेह परिवांचना शिक्षा संगमनम् काले सेवनम् व्यजनादिभिः तयोर्द्वयोरुपालम्भ संदेश प्रेषणम् तथा नायिका प्राण संरक्षा प्रयत्नाद्याह सखी क्रियाः। कृष्ण की माधुरी लीलाओं में कृष्ण नायक होते हैं और राधिका नायिका। गोपियों का पहला कार्य होता है नायक तथा नायिका दोनों की महिमा का बखान करना। उनका दूसरा काम है क्रमशः ऐसी परिस्थिति ला देना कि नायक नायिका के प्रति और नायिका नायक के प्रति आकृष्ट हो। उनका तीसरा कार्य है, तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है महिमा का बखान करना, दूसरा कार्य है आकृष्ट हो। उनका तीसरा काम है उन्हें इस तरह प्रेरित करना कि वे एक दूसरे के निकट जाएं। उनका चौथा काम कृष्ण की शरण में जाना, पांचवा हर्षमय वातावरण की सृष्टि करना, छठा उनको लीलाओं में भोग करते रहने का प्रोत्साहन देना, सातवां नायक तथा नायिका दोनों को सजाना संवारना, आठवां उनकी इच्छाएं व्यक्त करने में निपुणता बताना, नौवां नायिका के दोषों को छिपाना, दसवां उसके पति तथा परिवार वालों को धोखा देना। तो ये सब वहां पे जो गोपी के अनुगत्य में रहते हैं, ये सब काम है वहां पर। ये सब वहां पे काम है, लेकिन अभी इसे इसका आपको आचरण नहीं करना चाहिए कि चलो ये अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि गोपी हैं, है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा नहीं प्रैक्टिस, अभी हम दास्य भाव में हैं। ये रामानंद राय सबसे उत्कृष्ट चीज बता रहे हैं, हम लोग अभी बद्ध जीव हैं, हमारे लिए अटैचमेंट एंड अवर्जन बोथ आर देयर, सो दैट मीन्स वी आर नॉट प्योर डिवोटीज because we like something, we dislike something, and so we are not very pure devotees. तो इसलिए हमारे लिए अभी संसार में ही बहुत सारी आसक्तियां हैं, और इसलिए हमारे लिए दास्य भाव ही अभी के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो लीलाओं में भोग करते रहना, आठवां उनकी इच्छाएं व्यक्त करना, नायिका के दोषों को छिपाना, दसवां उसके पति और परिवार वाले को धोखा देना, ग्यारहवां शिक्षा देना।
कि अभी ये देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, इसीलिए तो पकड़े जाते हैं। ये जो है इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना। 12वां, उचित समय पर नायक नायिका को मिलाना। 13वां, नायक नायिका को पंखा झलना। 14वां, नायक नायिका को कभी कभी डांटना, जैसे ललिता सखी जो है वो डांटती है। 15वां, बातें शुरू कराना, अगर मान लो नाराज हो जाए तो बीच में बात शुरू करवाना है। और 16वां कार्य है सभी प्रकार से नायिका की रक्षा करना। कुछ भौतिकतावादी सहजिया, अब शिला प्रभुपाद का जो तात्पर्य आता है, ये जो लास्ट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो लास्ट में तात्पर्य के लिखते हैं, ये बड़ा शिक्षा प्रद होता है अक्सर, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ भौतिकतावादी सहजिया जो वास्तव में राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं, वे किसी प्रमाण के बिना मनोकल्पना से अपनी खुद की जीवन शैली बनाते हैं। ऐसे सहजिया सखी भेकी या कभी कभी गौर नागरी कहलाते हैं। वे मानते हैं कि यह भौतिक शरीर जो कुत्तों तथा सियारों के खाने योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। तो ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये सियारों और कुत्तों का भोजन है, ये इससे हम भगवान इसको भोगते नहीं है। ये जो शरीर हमारा है ना, जिसमें पसीना आता है, बदबू आती है, सुबह मुंह से भी बास आती है, तो कोई स्त्री या पुरुष अपने को क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूं। ये जो शरीर है, ये सड़ा हुआ शरीर है, इसको भगवान नहीं भोगते। जगह जगह से बदबू आती है, नाक से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी गंदगी निकलती है, आंखों से भी कीचड़ निकलता है, तो ये वाले शरीर के वर्जन को भगवान भोगते नहीं है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए मेकअप कर रही हूँ या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण इस शरीर के से आकृष्ट नहीं होते, भक्ति और भाव से भगवान आकृष्ट होते हैं। लेकिन हमारे लिए, अभी के लिए, जब हम बद्ध जीव हैं, तो हमारे दासत्व को कितना पुष्ट किया है हमने, इससे कृष्ण आकर्षित होते हैं, न कि माधुर्य से आकर्षित होंगे। तो माधुर्य करने में कुछ ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं लगता, लगता है कि हम भी तो दोस्त हैं, भगवान के दोस्त हैं, कभी किया नहीं किया, मेरा भाव वैसा है प्रभु जी। फलतः वे कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए अपने आप को सखिया मानकर अपना भौतिक शरीर कृत्रिम साधनों से सजाते संवारते हैं, किंतु कृष्ण कभी भी इस तरह भौतिक शरीर के सजने संवरने से आकृष्ट नहीं होते। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ऐसे जो है कोई लोग, एक बार ऐसे मैंने देखा था कि वृंदावन में या कहाँ पर, अभी मायापुर में भी देखा मैंने, कि वो माता जी एक हैं, उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया है, मतलब ऐसा लग रहा था कि शादी में जोड़े में आ गई, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है मुझे, तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछ लिया क्लास में, ताकि सबको ये दिखे कि इतना मेकअप करके कौन दिव्य आत्मा बैठा है। लेकिन इस तरह से जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। जहां तक राधा रानी और उनकी गोपियों का संबंध है, उनके शरीर, घर, वस्त्र, आभूषण, प्रयत्न तथा कार्य सभी आध्यात्मिक होते हैं। ये सभी कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। निसंदेह ये सब कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय हैं कि वे श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों के वश में हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के 14 भुवनों में किसी संसारी वस्तु से कोई वास्ता नहीं रहता। यद्यपि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, किंतु इतने पर भी वे गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। किसी को मानसिक तर्क वितर्कों से बहक जाना नहीं चाहिए कि उसका भौतिक शरीर पूर्ण है, इसलिए वह सखी बन सकता है। यह अहंग्रोपासना अर्थात मायावादियों द्वारा अपने शरीर की पूजा सर्वोपरि मानकर करने जैसी बात होगी। श्रील जीव गोस्वामी ने संसारियों को ऐसी धारणा से दूर रहने के लिए
सतर्क किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि गोपियों के पद चिन्हों पर चले बिना अपने आप को भगवान का संगी सोचना वैसा ही अपराध है जैसा कि अपने आप को भगवान मानना। तो जो लोग अपने को गोपी समझने लगते हैं वो ऐसा ही अपराध कर रहे हैं जैसे कि अपने को भगवान ही मान ले रहे हैं। ऐसा सोचना अपराध है। मनुष्य को कृष्ण के साथ गोपियों की वार्ताओं को सुनते हुए वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को गोपी नहीं मानना चाहिए क्योंकि ऐसा सोचना अपराध है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम बार बार जब ये कहते हैं कि वृंदावन एक हृदय का स्टेट है, बार बार ये कहते हैं तो कई लोग ये कहते हैं प्रभु जी वृंदावन वास फिर नहीं करना चाहिए क्या? वृंदावन की महिमा कम नहीं कर रहे हम, ब्रजवास भी करना चाहिए, अगर किसी की क्षमता है तो करना चाहिए। लेकिन हमारे आध्यात्मिक आंदोलन में दोनों ही आवश्यक होते हैं। अगर आप ब्रज में वास करेंगे, वृंदावन जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता? देखो, आपको अगर याद होगा, जिसको यात्रा याद होगी, मुझे याद है जब मैं वो नरसिंह मंदिर में बैठा हुआ था तो इतना अच्छा लग रहा था। यात्रा करने में अच्छा तो लगता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारे लिए ये स्टेटमेंट ऐसा बहुत स्टेटमेंट सही नहीं होगा कि वृंदावन जाने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, हम केवल उतना करने से ब्रजवासी नहीं बनते, लेकिन अगर हमारा हृदय भी वैसा ही है तो हम ब्रजवासी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी हमको कभी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हम हैं ब्रजवासी। तो इसलिए हमारे लिए ये है कि वृंदावन वास करना चाहिए, जाना चाहिए वृंदावन, लेकिन 2-3 दिन में या 4-5 दिन रह के फिर आ जाना चाहिए। और फिर अगर गुरु जी आदेश करें और आपको कहीं और रुचि न लगता हो, माला जब करने लगे तो आपको लगे कि बस अब मुझे और कुछ नहीं करना है, ऐसा 1-2 दिन ना लगे, 3-4 साल 5 साल से ऐसा ही हो रहा है कि माला करते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि माला करते ही सब कुछ याद आता है, परिवार का झगड़ा, ये माताजी ने वो कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, बताओ मौसा जी को ऐसे कहना चाहिए है? बुआ जी भी रोज पहुंची रहती है मेरे घर पे, अरे किसी का खर्चा देख करके आया करो भाई, गेस्ट हो, होस्ट के जैसे रहती हो। तो ये सब जो है अगर हमारे मन में जब के समय पे आ रहा है तो इसका मतलब हमारा हृदय बहुत ब्रज वाला अभी नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? फिर हमको इसका प्रयास करना चाहिए कि मेरा मन अनुरक्त हो, और फिर कुछ दिन के लिए जाना तो चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि हम लोग अभी भगवान ने हमको नहीं बुलाया है इसलिए हम नहीं जा रहे। अरे शराब की दुकान पे तो कोई बुलाता नहीं है, तुम प्लान करते हो और उसके बाद जो है ऐसा बोलते हो भगवान की भक्ति के लिए। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजोमय हैं, वे मूर्तिमान सुख हैं, अनंत तथा सर्वशक्तिमान हैं। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी कभी पूर्ण नहीं होते, अतएव गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है? तो ये गोविंद लीलामृत से श्लोक लिया गया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसको जिस चीज में रुचि होती है वो ही लोक में लोग जाते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिकता में राधा कृष्ण की लीलाओं में रुचि होगी, भगवान की कथा में रुचि होगी, तो गोपियां कहती हैं तब आप वहां गोलोक में जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं, लेकिन रुचि नहीं है हमारी, रुचि तो है शॉपिंग करने में, तो हम शॉपिंग लोक को जाएंगे, फिर हम इस लोक में नहीं जाएंगे, है ना? नहीं,
अगर मान लो ज्यादातर हम शॉपिंग ही कर रहे हैं, बस सुबह शॉपिंग शाम को शॉपिंग, बार बार अमेजन ऐप खोल के बैठ जाते हैं, कहीं कोई ऑफर तो नहीं है, क्या क्या मैंने खरीदा था, अच्छा क्या क्या मुझे खरीदना था, देखो ये बकेट में डाल दिया, तो आजकल बकेट वाला सिस्टम आ गया ना, उसमें हमेशा ही वो शुरू से ही था, बकेट में डाल दो, कार्ट, ऐड टू द कार्ट, ऐड टू कार्ट में डाल के छोड़ भी देना चाहिए कभी कभी, तुरंत परचेज नहीं करना चाहिए, तो फिर छोड़ देंगे तो फिर कुछ दिन बाद जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे घर में केवल मेंटेनेंस का जगह घेरेगा और कुछ नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गोपियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अवर्णनीय है, गोपियां कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती, क्या चाहती हैं, जब गोपियां श्री श्री राधा कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं तो उनका सुख करोड़ गुना बढ़ जाता है, तो कभी हबे बोलो वाला श्लोक है ना, नहीं, कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराया, निज सुख है ते ताते कोटि सुख पाया। जब राधा और कृष्ण को मिलाते हैं तब इनको बहुत सुख मिलता है, कब हमें ऐसा आदत पड़ेगा कि जब किसी दूसरे वैष्णव को कुछ कृपा मिलेगी या कुछ होगा तो हम खुश हो जाएंगे, उससे ज्यादा जिससे कि हमें खुशी होती अगर हमें वो कृपा मिलती तो, काश ऐसे हम भी बन पाते कि हम ऐसे वैष्णव होते कि सबके प्लान में मैं असिस्टेंट होता, सबके प्लान में को सक्सेसफुल कराने के लिए मैं असिस्टेंट होता, ऐसा होता, कब ऐसा होगा कि मैं जब किसी और को कृपा मिलेगी तो मैं और दुगना तिगुना खुश हो जाऊंगा, और जब मुझे कुछ होगा तो मैं इतना ज्यादा खुश नहीं होऊंगा। स्वभाव से श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता के समान है और गोपियां उस लता की टहनियां, फूल तथा पत्तियां हैं। जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियों, फूलों तथा पत्तियों को जो सुख मिलता है वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। तो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ गुना ज्यादा टेस्ट होता है भगवान के साथ खुद नाचने से ज्यादा राधा रानी को अवसर देने में, जो ये क्या होता है, ये 1 करोड़ गुना ज्यादा है ना। तो यहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहा है, श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता हैं और गोपियां टहनियां, फूल, पत्तियों के समान हैं। जब लता पर जल छिड़का जाता है तो टहनियां, फूल, पत्तियां अप्रत्यक्ष रूप से लता को मिलने वाले सारे लाभ प्राप्त करती हैं, किंतु लता की जड़ में डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है उतना टहनियों, फूलों, पत्तियों पर सीधा डाला गया जल नहीं होता। जब गोपियां कृष्ण से सीधे मिलती हैं तब वे उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि वे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलाने के बाद होती हैं। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। श्रीमती राधा रानी का निजी सखियां सारी गोपियां उन्हीं के समान है। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्पों को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह व्रज भूमि के निवासियों को अच्छे लगते हैं। उनकी आनंद दायिनी शक्ति आह्लादिनी कहलाती है, जिसका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है। उनकी उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कपोलें लगी हैं। जब कृष्ण लीला रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाता है तो उनकी सारी सखियों को वह अमृत अपने ऊपर छिड़के जाने की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह श्लोक भी गोविंद लीलामृत से ही लिया गया है। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती हैं।
श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं, जिससे वे उनका प्रत्यक्ष संग कर सके। तो एक गुरु को ऐसा ही होना चाहिए। गुरु को क्या करना चाहिए? गुरु को अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में और आगे बढ़ाना चाहिए, और शिष्य को ये सोचना चाहिए कि मुझे गुरु जी का आगे बढ़ाना है। प्लान होना ऐसा चाहिए, लेकिन आजकल के सिनेरियो में ऐसा होता है, गुरु जी कहते हैं कि मेरे प्लान में हाथ बिटाओ, शिष्य क्या करते हैं, शिष्य अपना कोई प्लान बना लेते हैं और उसमें कहते हैं कि गुरु जी आप प्लान में हेल्प कराइए। मैंने एक बार बताया था कि कबीर दास से किसी ने पूछा था कि आप गुरु हैं कि शिष्य हैं, तो कह रहे थे कि तो कबीर दास ने कहा कि जो लोग थोड़ा मूर्ख हैं उनका तो मैं गुरु हूं, लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है उनका तो भाई शिष्य ही बनना पड़ता है। तो ऐसे कह रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं, जिससे वे उनका प्रत्यक्ष संग कर सके। ऐसे अवसर पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। तो ये बात भी सत्य है कि आज जो हम इस्कॉन संस्था है, बद्ध जीवों से ही रिक्रूट करके इस संस्था को चलाया जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ऐसा इतना आइडियल तो ना हो, लेकिन हमारे लिए ये है कि हम अपना किरदार निभा लें। बाकी अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपना किरदार जरूर निभाना चाहिए, और फिर कभी नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं। ये बद्ध जीव हैं तो यहाँ पर इतना शुद्ध सब कुछ हो, एकदम आइडियल हो, ऐसा बड़ा मुश्किल है। भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है, जब कृष्ण यह देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है, तो वे अत्यधिक तुष्ट होते हैं। श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों की को कृष्ण के संग से प्राप्त होने वाले अपने खुद के सुख में कोई रुचि नहीं है, प्रत्युत वे कृष्ण के साथ एक दूसरे को मिलते देखकर सुखी होती हैं। इस तरह भगवत प्रेम से उनके आदान प्रदान और अधिक पुष्ट होते हैं, जिसे देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने इस चर्चा को अभी विराम देते हैं। 215 से 82 से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न है, राधा रानी और गोपियों में कौन सा, एक दूसरे के बीच में किस तरह की भावना रहती है, किस तरह की भावना राधा रानी और गोपियों में रहती है? इसका उत्तर देंगे। आवाज आ रही है? चारू गोपी माता जी ऑडिबल है? माता जी सुन पा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। तो गोपियों और राधा रानी में किस प्रकार के भाव आपस में रहते हैं? कौन बताएंगे? अभी अभी तो पढ़ा हमने, जस्ट अभी अभी तो पढ़ा। चारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सांख्य भाव में? अच्छा एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ, देखो आपको बताता हूँ। ये जो हमने अभी पढ़ा ना, अभी अभी तो हमने पढ़ा कि जब गोपियां श्री राधा कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं,
तो उन्हें उनका सुख कई गुना बढ़ जाता है। और जब गोपियों की गोपियों का जो राधा रानी का क्या रखता है, राधा रानी उनको कृष्ण से मिलाना चाहती है। तो यही तो भाव है, एक दूसरे को आगे प्रवृत्त करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम पूछते हैं। कृष्ण कभी भी भौतिक शरीर के फिल इन द ब्लैंक्स डैश से आकृष्ट नहीं होते। भौतिक शरीर के किससे आकृष्ट नहीं होते कृष्ण? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक शरीरों को सजने सवारने से, भौतिक शरीर के सजने सवरने से आकृष्ट नहीं होते। ठीक, म्यूट कर लीजिए माता जी। भगवान की कई सारे भाव में, रस में सेवा होती है, इसका कारण क्या है? कई सारे रसों में सेवा होती है भगवान की, इसका कारण क्या है? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान सभी रसों के सागर है, आगार है, इसीलिए उनको तुष्टि के लिए सभी रसों में उनकी पूजा की जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई भी बताएंगे? और कोई प्रयास करेंगे? ये अलग अलग रसों में क्यों सेवा होती है भगवान की? देखो मैंने ये पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखते हैं एक मिनट, चारू गोपी माता जी। जैसी जिनकी पात्रता होती है ना प्रभु जी, वैसी सेवा करनी चाहिए, पात्रता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, किंतु सब में भगवत सेवा करने की रुचियां भिन्न होती हैं। कोई दास में भक्ति करने की प्रवृत्ति रखता है, कोई सख्य में, क्योंकि रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये इसका कारण है। सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि अवैष्णव से अगर हम कोई कथा को सुनते हैं तो वो किस प्रकार है? कौन बताएंगे? बाकी भक्तों ने ध्यान से नहीं सुना। सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि अगर अवैष्णव के मुख से हम अगर हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? चारु गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे सांप अपने होंठों से दूध पीता है तो वो विष बन जाता है, वैसे अवैष्णव से सुनेंगे तो कथा कृष्ण कथा भी विष बन जाती है, विषैली हो जाती है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमारे पास 7 मिनट है, हम कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अनीता एस कमल माता जी।
प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पिछले रिकॉर्डिंग नहीं आए शाम के, आज डाल दिए गए हैं वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, प्रभु जी चेक करेंगे। अच्छा मैं देख लूंगा, कुछ अगर नहीं आए होंगे तो उनको मैं देख लूंगा, राणा पाटिल प्रभु से बात कर लूंगा। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। अच्छा कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कहा जाता है भक्ति जैसे ये चैतन्य चरितामृत पीएचडी की पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन आप इसे इतना दौड़ा के पढ़ा रहे हैं कि हमारे सर पे से ही जा रहा है बहुत कुछ। तो ये वाला तो ठीक ही है कि अगर थोड़ा नहीं भी इसमें डिटेल देना वो ज्यादा ठीक भी नहीं है। और नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं इसे बहुत ही डीपली जाके सुनूं सीखूं, इसीलिए मैंने कभी इसे छुआ नहीं, छेड़ा नहीं मैंने कभी भी। और जब मैं आपकी क्लास ज्वाइन करी तब टाइम मेरा आधा निकल चुका था, अब जो रुचि बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट में जा रहा है। नहीं नहीं ये जो हमारे योग्यता जो हमारी है उसके अनुसार हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं, और इसमें कोई जो अब इसके आगे अगर इसमें एक्सप्लेनेशन जो किया जाएगा जो शिला प्रभुपाद ने किया है उसी को पुष्ट करते हुए इस्कॉन में एक्सप्लेनेशंस किए जाते हैं। और अगर इसको और डीप में अगर कोई जाना चाहे तो फिर इसमें जो है आप अगर बाकी जो हमारे कोर्सेज वगैरह चलते हैं भक्ति वैभव या भक्ति वेदांत अगर ये सब में जाएंगे तो वहाँ पर भी बस यही है कि इसको सेक्शनलाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, और इन्हीं बातों को पुनः बिना पढ़े बोल दिया जाता है। तो हम बस यही है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। आप इंटरनेट पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं चैतन्य चरितामृत के, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो है इसमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन देगा भी तो वो बस यही एक्सप्लेनेशंस जो है कुछ लोग देते हैं कि भाई है ना राधा रानी के भाव को और किसी और ग्रंथ से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसमें फिर हम उस तरह उसको भौतिक परिकल्पना करने लगेंगे। तो जो सिद्धांत हमारे लिए हैं उसको हम डीप में जाते हैं, और आप सच में देखोगे माता जी कि जो हमारे जीवन में अप्लाई होने वाले सिद्धांत हैं वो अक्सर बड़े ही बेसिक सिद्धांत होते हैं, जैसे कि गुरु की अवज्ञा नहीं करना, मैं शरीर नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो सारे जो मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग हैं ये सब मेरे साथ एक एक यात्रा में ट्रेन के साथ बैठ गए हैं बस। जी, ये सब जो बेसिक सिद्धांत है जीवन में जो समस्याएं या जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है हमारे साक्षात्कार के लिए वो इन्हीं सिद्धांतों के इर्द गिर्द होते हैं। फिर भी जो हम लोग डिस्कस करते हैं माता जी इस लेवल का भी क्लास आपको शायद इंटरनेट पे मिलेगा, क्योंकि हम जितना डिटेल में जाते हैं ऐसे भी कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो जैसे भाव की बात आती है तो कोई आपको संचारी भाव इत्यादि के बारे में नहीं बताएगा। बहुत सारे कोर्सेज और भी चलते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अगर पब्लिक नहीं लेक्चर हो तो हो सकता है कि वो किसी और ग्रंथ ये उज्जवल नीलमणि को या फिर राधा रानी के साथ अंतरंग, तो कुछ लोग जैसे एक दो भक्त हैं, एक बार मैं उस क्लास में गया था तो वो ये बताने लगे किस प्रकार से 1000 साल तक राधा रानी और कृष्ण ने संग किया, उसके बाद एक भ्रूण उत्पन्न हुआ, वो बच्चे को राधा रानी नहीं चाहती थी रखना, तो ये सब वो एक्सप्लेन करने लगते हैं विच इज नॉट इन आवर हमारे संप्रदाय के जो है बहुत वो है। जी जी ऐसी क्लासों में गए
और वो एक बार ऐसे हो गया था, बस मुझे कोई लेके चला गया और उन्होंने कहा कि आइए हम आपको गोपी भाव क्लब में जा लेके चलते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा ये कोई बहुत बढ़िया वाला होगा कुछ, और मैं चला गया वहां पर। तो ये गोपी भाव क्लब वही क्लब है जो ये 400 लोगों को दिल्ली मंदिर से लेके गए थे ये लोग। तो इन लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग गोपी भाव में रहेंगे और हम लोग मेन काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग के लिए यही है और हमको ये पढ़ना चाहिए। और बाकी और डिटेल में जब गोलोक में जाएंगे तो क्या क्या राधा रानी का और उनका भाव चल रहा है वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत। और जो मुख्य सिद्धांत होते हैं ना उसको हम लोग डिटेल में कर लेते हैं, जो मुख्य सिद्धांत रहते हैं और जिनको कि इस्कॉन की क्लासों में रेगुलर बताया जाता है, और उन सिद्धांतों को और पुष्ट कर लेते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत। अनीता माता जी, और कोई प्रश्न आपका भी है फिर से? नहीं ना, कोई और प्रश्न तो नहीं है ना माता जी? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता माता जी, आपने फिर से हैंड रेज किया था। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। मैंने देखा अभी चेक किया, थैंक यू प्रभु जी, रिकॉर्डिंग आ गए। अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। मैंने फोन चेक नहीं किया था। अच्छा ठीक, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को आप यहाँ पर एंड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।